हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फ्लॉसम वर्ल्ड। सो आज मेरी किचन में बन रही है मटन बिरयानी। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग द रेसिपी विद यू ऑल। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली मेरे किचन में। सो सबसे पहले हमने दो मीडियम साइज के प्याज को तेल में फ्राई कर लिया है अंटिल इट्स कलर चेंजेस टू गोल्डन ब्राउन। एक बार प्याज का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे मटन। मैंने मटन जो लिया है वो होगा अराउंड 300 टू 400 ग्राम्स ऑफ मटन है ये। इसको हम लोग इसमें प्याज में डाल के बहुत भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि मटन का कलर भी चेंज होकर वाइटिश सा हो जाएगा, वाइट सा हो जाएगा। यू नो व्हाट, दिस इज़ द ईजीएस्ट रेसिपी फॉर मटन बिरयानी। और जब हम शिफ्ट हुए थे शादी के बाद केरला में, तब मेरी मॉम ने ये रेसिपी बताई थी एंड इट इज़ द ईजीएस्ट वन गाइस, ट्रस्ट मी। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर हमने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया है और 5 to 6 ग्रीन चिली लिया है। टमाटर और हरा मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा और चलाएंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बाकी के मसाले। उसके बाद हमने ऐड किया है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो स्पून मैंने दिखाया था वो मैंने 1.5 स्पून डाला था। बाकी खड़ा गरम मसाला जिसमें कि मैंने बे लीव्स लिया है, स्टार एनाइस, दालचीनी, लौंग एंड इलायची डाला है। देन ऐड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। देन ऐड रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर कम ही डालिएगा बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी ग्रीन चिली उसमें डाला हुआ है। देन ये मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर आप अराउंड 1 टीस्पून डाल सकते हैं। ये मेरा छोटा चम्मच है इसलिए मैंने दो बार डाला है। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला। गरम मसाला डाल दिया पाउडर। देन उसको अगेन हम लोग भूनेंगे अच्छे से। अब ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया है, जो पीने वाला ग्लास होता है वो 1.5 ग्लास पानी डाला है। और इसको अब बंद कर देंगे, कुकर बंद कर देंगे और जब 2 विसल हो जाएगी तो हम कुकर खोलेंगे। उसके बाद हम तैयारी कर लेते हैं चावल की। तो यहाँ पर मैंने ये 2 ग्लास चावल लिया है, ये जो पानी वाला ग्लास होता है इससे नाप के मैंने 2 ग्लास चावल लिया है। चावल को धो के और पानी में सोक कर दिया है। अब हम एक अलग बर्तन में पानी लेंगे और उसमें सारे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले डालेंगे। दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची, लौंग और स्टार एनाइस और बे लीव्स डाल देंगे। और उसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और पानी को बॉईल होने देंगे। पानी को अच्छे से बॉईल हो जाने देना है ताकि सारे मसालों का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल पानी में उतर जाए। कुकर खोल के देखते हैं तो ये देखिए ये बन चुका है। अब ये जो ऊपर आप तरी देख रहे हैं ना, इसे हम अलग निकाल लेंगे। इसका भी यूज़ है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या करना है इसका। तरी को निकाल लिया है ये मैंने अलग बाउल में, ये देखिए। और इधर ये पानी भी बॉईल हो गया है, बॉईल हो के अच्छा खुशबूदार हो गया है, खुशबू निकल रही है मसालों की इसमें से। अब हम इसमें अपना जो सोक किया हुआ चावल है वो डाल देंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे। चावल को लाइक 3/4 कुक कर लेंगे, 1/4 कच्चा रहने देंगे या फिर आप 1/2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3/4 करती हूँ। ओके, तो अभी हम इसको बंद कर देंगे। अब ये चावल हमारा नहीं हुआ था तो मैंने दोबारा से बंद किया और 5 मिनट और करा तो ये पूरा 3/4 कुक हो गया है। अब हम इसका पानी अलग निकाल देंगे और अलग बर्तन में, अलग भगोने में इसकी लेयरिंग कर देंगे। गोश्त डालेंगे, फिर उसके ऊपर चावल डालेंगे, फिर एक बार गोश्त डाल के चावल डाल के लेयरिंग कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके ऊपर जो हम लोगों ने तरी निकाली थी अलग से वो हम लोग डाल देंगे इसके ऊपर और फूड कलर डालेंगे। मैंने येलो और
ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया, पाउडर्ड फूड कलर यूज़ किया है मैंने, लिक्विड नहीं यूज़ किया है। तो अब इसमें फूड कलर डाल देंगे और येलो वाला भी मैंने डाला, और ये है खेवड़ा वाटर, खेवड़ा वाटर डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है बिरयानी में। अब हम इसमें घी डालेंगे ऊपर से, तो घी डाल दिया है ये मैंने, थोड़ा सा और डालेंगे, ये घी हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग फ्राई किया हुआ अनियन डाल देंगे, ये अनियन मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करने के लिए जो इसका जो भी पतीले में आपने लेयरिंग की है उसके ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया, जिससे कि जब स्टीम होगा नीचे से राइस तो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा कपड़ा, वापस से उसमें टपकेगा नहीं। तो ये देखिए बिरयानी रेडी है दम लगने के बाद, इसको खोल के देखेंगे तो ये देखिए मेरी बिरयानी रेडी हो गई है। सो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा वापस आके कि कैसी बनी, बिकॉज ये मतलब ईजिएस्ट वे है बिरयानी बनाने का जैसे मैं बनाती हूँ। ये कोई मतलब पता नहीं इसका नाम क्या है इस बिरयानी का, हैदराबादी तो नहीं है ये, बट ये इस तरह से मैं बनाती हूँ जो मैंने आपसे शेयर किया है। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसे बनी। दैट्स इट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और औरों से भी शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।